के बारे में बात करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर बार KK ग्रुप की तरफ से असलम शेख जी के बर्थडे पे हम लोग कुछ ना कुछ प्रोग्राम रखते हैं, जैसे कि मतलब फल वाटप या सोशल वर्क या कुछ भी। दो बार से हम लोग मतलब ये भव्य एकदम क्रिकेट स्पर्धा रखते हैं। जितने भी क्रिकेट के मतलब इंटरेस्टेड लोग रहते हैं वो इसमें भारी से भारी मात्रा में पार्टिसिपेट करते हैं, और मतलब इस चीज़ को लेके एक न्यू जनरेशन में एक अलग सा उत्साह पैदा होता है। और क्या बोलो, आज है बर्थडे भी है। हाँ, असलम शेख जी का बर्थडे भी है, उसी से ये चीजें चलती आ रही है। ये काफी सालों से चला आ रहा है, हमारे खालिद खान जो अध्यक्ष है, हमारे बड़े भाई, वो हमेशा उनके बर्थडे के मौके पर ऐसा कुछ ना कुछ बड़ी चीज उनके बर्थडे के टाइम पे रखते है, और उसको हम लोग पूरी तरीके से जिस तरीके से मतलब एक सक्सेसफुल एक वो होना चाहिए, इवेंट होना चाहिए, उसी तरीके से हम लोग पूरा सब कुछ करते हैं। इवेंट करके और जो खेल रही है बहुत जगह से इवेंट करके जब जैसा हो सके खालिद भाई से वैसे वो गरीबों की मदद भी करते, जैसे कंबल बांटना ये, और असलम भाई को बुलाना यहाँ पे करना, असलम भाई भी अपना योगदान देते इसमें, आके सब चीज करते हैं अच्छे से। कितनी धनराशि मिलती है? कुछ धनराशि कुछ नहीं, जहाँ से हमारे खालिद भाई सब करते हैं, सर जो है हमारे प्रेसिडेंट वही करते हैं, KK ग्रुप के तरफ से ही सारा कुछ होता है, बाकी कोई धनराशि कहीं से भी नहीं लिया जाता। नहीं, गिफ्ट में जो गिफ्ट में काफी तरीके के विनर जो होता है, हाँ, कप रहते, मैन ऑफ द मैच रहता, मैन ऑफ द सीरीज रहता है, प्लस मतलब जो अच्छा परफॉर्म करते हैं बॉलिंग बैटिंग के लिए भी बेस्ट प्राइज, बेस्ट बैट्समैन बेस्ट बॉलर इन सबका भी खिताब दिया जाता है। क्रिकेटर का भी बर्थडे है विराट कोहली जी का, तो क्या कहना चाहेंगे? हम उनको उनके बर्थडे के मौके पे बर्थडे विश करते हैं उनको, और अच्छा खेले, वैसे भी खेलते ही है, देश का नाम रोशन करे, बस यही उम्मीद है। माध्यमातून हा तीसरा वर्ष है ज्या माध्यमातून खालिद खान साहब तुमचे जे आहेत त्यांच्या माध्यमातून हा तीसरा वर्ष आहे की असलम शेख यांच्या वाढदिवसानिमित्त ते एक महोत्सवासारखं इथे साजरा करतात, आणि येणाऱ्या जाणाऱ्या तमाम क्रिकेट प्रेमियांना हा आजचा दिवस हा एक अमूल्य विलक्षण असा क्षण असतो की तिथे कुठेतरी ते आपलं क्रिकेटचं प्रतिस्पर्धींना तडजोड देत ते एक क्रिकेटचे सामने रंगले जातात। या माध्यमातून युवा वर्गांसाठी हा एक चांगला प्लॅटफॉर्म त्यांनी क्रिएट करून दिलेला आहे, आणि आजचा दिवस असलम शेख यांच्या वाढदिवसानिमित्त आम्ही पूर्ण चांदिवलीतर्फे त्यांना हार्दिक शुभेच्छा आणि अभिनंदन देतो। त्याचबरोबर माझे मित्र खालिदभाई यांनाही शुभेच्छा देतो की त्यांनी असा कार्यक्रम दरवर्षी नाही प्रत्येक वर्षी चालोसार जिथपर्यंत त्यांची आयुष्य आहे तिथपर्यंत हा कार्यक्रम चालो अशी आमची मनापासून इच्छा। धन्यवाद। मैं अंसारुल्ला चौधरी चादेवली विधानसभा से। आज जो असलम भाई का बर्थडे है, आज पहले तो मैं भाई को बर्थडे के बहुत बहुत जन्मदिन का मुबारकबाद देता हूँ, और भाई हमेशा तंदुरुस्त रहें और खुश रहें, हमेशा ऐसे काम करते रहें। और आज जो खालिद खान ने भाई ने जो है ये असलम शेख भाई के बर्थडे में जो मैच का प्रोग्राम सजाया है, ये बहुत ही अच्छा और सराहनीय काम है, और बहुत ही युवा वर्ग के लड़कों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा इससे, और बहुत अच्छा काम आज किया खालिद खान साहब ने। टूर्नामेंट में हम लोग इधर आए, और ये असलम भाई जो हमारे यहाँ के MLA जो गार्डन मिनिस्टर भी रह चुके हैं मुंबई के, उनके बर्थडे के सेलिब्रेशन में ये टूर्नामेंट रखा गया है। और यूजुअली स्पोर्ट्स एक्टिविटी ऐसी होती है कि इसके ऊपर एक यूनिटी का प्लेटफॉर्म जमा होता है, हर तरह हर कास्ट के लोग इसमें क्रिकेट खेलते हैं, और एक दूसरे एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही आवाज़ में हिंदुस्तान का नारा आगे बढ़ाते हैं। सो मैं हमेशा स्पोर्ट्स एक्टिविटी स्पेशली क्रिकेट को और दूसरे भी स्पोर्ट्स को मैं इनक्रेज करता हूँ, और आज जो ये दावत में आए मैं असलम भाई को भी उनके बर्थडे की मुबारकबाद देता हूँ, और खालिद भाई को भी बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इतना बेहतरीन उन्होंने अरेंजमेंट किए इधर। और सोहेल जी, हमेशा आपने भी बढ़ावा दिया है युवा को आपके
देखिए, मैं खुद स्पोर्ट्समैन था, मैं खुद क्रिकेटर था। आई टू प्ले फॉर मुंबई BCS में खेलता था अपने टाइम के ऊपर। उसके बाद में क्रिकेट का एक जो लव जो है वो आज के यूथ में और ज़्यादा कल्टिवेट होना चाहिए। जो पहले हमारे टाइम पे था वो एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। माइन दरगाह, हाजिरी दरगाह हमेशा स्पोर्ट्स, हर टाइप के स्पोर्ट्स को प्रमोट करता है। सिंस क्रिकेट जो है इतना नॉन स्पोर्ट्स है, तो हमारी खुद की माइन दरगाह की एक क्रिकेट टीम है। आज ही वहाँ मॉर्निंग में उसका फाइनल्स हुआ माइन 16 का। तो ऐसा करके हम लोग भी उसको सपोर्ट करते हैं, और क्योंकि ये आज के तारीख में इतना इम्पोर्टेंट है कि यूथ जो है एक प्लेटफॉर्म पे आवे और एक यूनिटी का प्लेटफॉर्म बने रहे। सबसे पहले तो आई विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे असलम सर को। और जो सर कह रहे थे, मैं उनकी बात सुन रहा था कि बहुत अच्छा होता है कि देखो जैसे आप सेलिब्रेशन करते हो, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग जो हैं ग्रुप बनाते हैं सेलिब्रेशन करने, ऐसे सेलिब्रेशन से ये बहुत अच्छा होता है कि कोई स्पोर्ट रखो आप, कुछ दान करो, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आप एक क्रिकेट एक बहुत फेमस स्पोर्ट आज की डेट में हो चुका है। आई एम ऑल्सो क्रिकेटर, मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ, हम ज़रूर खेलेंगे एक दूसरे के साथ। और आई एम रियली ब्लेस्ड कि मैं सुहेल सर के साथ स्टेज शेयर कर रहा हूँ, शहीद भाई मेरे बड़े भाई के साथ स्टेज शेयर कर रहा हूँ, साकिब भाई के साथ स्टेज शेयर कर रहा हूँ, और जो भी सब लोग बैठे हैं, सॉरी मैं नाम आप लोगों का थोड़ा नहीं जानता हूँ, पाटकर सर आप लोगों के साथ मैं स्टेज शेयर कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ा अवसर है। आई एम रियली ब्लेस्ड टू सिट इन दिस स्टेज। अच्छा, आपका जो अभी जो सॉन्ग आया था उसको रिस्पॉन्स मिला, मिलियंस पे व्यूज हुआ है, कई सारे रील्स बने इंस्टाग्राम पे भी, काफ़ी वायरल हुआ है, इतना सक्सेस मिले में कितनी खुशी, और आगे किस तरह से आपका गाना और आने वाला है, जो आपके फैंस को वेट कर रहे हैं वो क्या कहना चाहिए? आने के लिए तो बहुत सारे गाने आने वाले हैं। हाँ, ये जो गाना था मेरा, मैंने इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो बिल्कुल नहीं सोचा था, बल्कि वेरी सेकेंड डे ट्रेंडिंग में गाना आ गया था, यूट्यूब पे ट्रेंडिंग में है, इंस्टाग्राम में भी ट्रेंडिंग में है, और कम से कम आज की डेट में 25,000 रील्स भी बन चुकी है उसकी। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी, आई एम थैंकफुल टू एवरी बडी जो भी मुझे इतना ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। ऑडियंस के लिए मैं आभारी हूँ उन लोगों का कि आप इतना सारा मुझे प्यार दे रहे हो, और अपकमिंग प्रोजेक्ट भी बहुत जल्द आने वाले हैं। अपकमिंग प्रोजेक्ट में क्या शैलेश चोपड़ा के साथ भी आप दिखने वाले, ऐसा कुछ? अपकमिंग प्रोजेक्ट, अपकमिंग टाइम पे मैं उसके बारे में बात करूँगा ज़रूर। हाँ, शर्लिन के साथ तो एक प्रोजेक्ट हमारा आने वाला है। किस जोहर के गाने हैं जो भी आप, मतलब आपके फैंस लोग के लिए आप अभी करने वाले हो? हर तो आपके बायोपिक की जो आपने भी, मतलब जैसा एक आपकी रियल लाइफ रील था, अभी जो आगे आपका सॉन्ग किस तरह, किस फ्लेवर का आने वाला है? एक ही गाना वो जो था बायोपिक के रिलेटेड हमने किया था, अभी बिल्कुल ऐसे गाने नहीं आएंगे, पूरे जोन में आएंगे। पार्टी नंबर आएगा, पेपी नंबर में आएंगे, लव रोमांटिक सॉन्ग्स आएंगे, लेकिन ये रिलेटेड गाना कोई भी नहीं आएगा। दिस वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट गाना, बिकॉज उसमें थोड़े कॉन्सेप्ट थे जो मैं पब्लिक को ला के दिखाना चाह रहा था कि क्या हुआ था एक्चुअल, जो ट्रिगर पॉइंट थे उसके बारे में हमने ये बनाया था। हैप्पी बर्थडे दोनों को मेरी तरफ से, थैंक यू। सर आप क्या कहना चाहते हैं? अभी इनका लो, असलम भाई मेरे भाई हैं और उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, तो उनको जन्मदिन की तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज ये दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि एक तो हमारा गाना बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, और जो जो लोग उसको ट्रेंड में डालने के लिए योगदान थे, जैसे मेरे बड़े भाई सोहेल भाई, इन्होंने हर मोड पर हमको एडवाइस दिया, इन्होंने हर मोड पर, इन्हों सबसे पहले हमने इनको गाना सुनाया, इनकी एडवाइस ली, उसमें क्या क्या चेंजेस किए इन्होंने, एडवाइस दी हमने, वो चेंजेस किया, तो शायद से इनके चेंजेस से वो गाने में बहुत तब्दीली आई, तो गाना इतने सक्सेस में चल रहा है। साकिब भाई है और आदिल तो मेरे भाई स्टार, वो तो हैं। तो आज का दिन हम सेलिब्रेशन, हमारा हर जगह चल रहा है, एक एक दिन में छः छः सात सात इवेंट है। तो असलम भाई की बर्थडे थी तो हमने बोला साथ में सेलिब्रेट करेंगे, अभी असलम भाई भी आ रहे हैं तो उनके लिए भी हम गाना प्ले करेंगे, उनको भी गाना बताएंगे, और आगे हमारे चार गाने शूट हो चुके हैं, तो हर 25 दिन में एक एक गाने को हम लॉन्च करते रहेंगे। आदिल जी ऑब्वियसली उसमें स्टार है, और एक्ट्रेस हमारी चेंज होते रहेगी। असलम भाई ने इनको बीच में आगे काफ़ी आगे बढ़ा दिया वो काम, अभी इनसे वापस मैंने रिक्वेस्ट किया हूँ कि थोड़ा काम में इम्प्लीमेंटेशन में स्लो हो गया है, तो थोड़ा इंटरवीन करें। हालांकि दूसरे लोग भी, गवर्नमेंट के लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे, बट असलम भाई के जो टाइम पीरियड में जो एग्रेसिवली काम हुआ था, मैं आज भी उनको थैंक्स बोल रहा हूँ, और मैं ये चाहूँगा कि वापस से वो इंटरवीन करें कि उसकी स्पीड और आगे बढ़ जाए। थैंक यू असलम भाई। भाई आज क्या कहना चाहूँगा, कितना बड़ा दिन आज? नहीं, दिन तो दिन जैसा ही है, लेकिन आज जितनी ज़्यादा लोगों की सेवाएं हो सके, जितने ज़्यादा लोगों के काम आ सके, वही दिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और एक बहुत ही अच्छी बात अभी सोहेल भाई ने जैसे बताई कि मुंबई में जो है हाजी अली, और आगे जो महालक्ष्मी टेम्पल है, इसका ब्यूटिफिकेशन का पालक मंत्री जब मैं था तो मैंने अपने हाथ में काम लिया था, काफ़ी हद तक था, खाली उसमें भूमि पूजन होना बाकी था, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं सरकार जो नहीं आई है उसने
इसमें जितने ज़्यादा तेज़ी से काम करना चाहिए था उतना नहीं किया, लेकिन आने वाले दिनों में इसमें मीटिंग लेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से एक टूरिस्ट स्पॉट वो डेवलप हो सकता है जिसमें सभी धर्म के लोग जो है वहाँ पर आते हैं और मुझे लगता है कि सभी लोगों की आस्था वहाँ पर है और बहुत जल्दी से जल्दी इसको डेवलप किया जाए। आज जन्मदिन है, एक अलग से रैली निकली है पूरा बाइकर तो मल यंग जनरेशन आपके साथ में पूरा कंधे से कंधा रहा फिर बाकी आपके साथ। देखिए मैंने इस बार जो है जन्मदिन कहीं मनाने का विचार नहीं किया, लेकिन जो अच्छे काम हर साल जो करता हूँ